के ताजा मौसम समाचारों के अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटों के मौसम विभाग के समाचारों की कि देश के किन किन राज्यों में आज बदलने वाला है मौसम का मिजाज। देश के किन किन राज्यों में आज बारिश की संभावना, तो देश के किन किन राज्यों में अब बढ़ेगा पारा, पूरी जानकारी देंगे आपको इस अपडेट में। बात करते हैं आज के पहले अपडेट की, तो पश्चिम विक्षोभ के कारण देश के कई राज्यों में मौसम में नरमी, इन राज्यों में गर्मी से लोगों का हाल हुआ है बेहाल। ताजा पश्चिम विक्षोभ के कारण उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में मौसम में कुछ नरमी आ पाई है, लेकिन मध्य दक्षिणी पश्चिमी भारत में गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है। वही विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश, आंतरिक ओडिशा, तमिलनाडु और तेलंगाना में कल तापमान 40 डिग्री के बीच रहा, यानी 40 और 41 डिग्री के बीच यहाँ पर रहा। इधर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अपने ताजा रिपोर्ट में यहाँ पर कहा है कि एक पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण हिमालय राज्य और उत्तर पश्चिम भारत में तापमान में गिरावट आई है। वही मौसम विभाग ने आज उत्तरी हिमालय क्षेत्र में आज बारिश की संभावना व्यक्त की है। इसके कारण हिमालय के ऊंचाई वाले इलाकों में यहाँ पर बारिश और बर्फबारी होने का पूर्वानुमान है। वही मौसम विभाग ने कहा है कि ताजा पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन तक यहाँ पर गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। वही मौसम विभाग के मुताबिक देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में ज्यादातर हिस्सों में तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की कमी यहाँ पर आने की संभावना है। वह उत्तर और पश्चिम मध्य प्रदेश को छोड़कर देश के किसी भी हिस्से में अगले 24 घंटों में कोई महत्वपूर्ण हीटवेव की स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। वही भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण आज जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और गिलगिट बाल्टिस्तान में बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड में आज बारिश की पूरी संभावना है। वही मौसम विभाग के मुताबिक 24 मार्च ने आज यहाँ पर उत्तराखंड में बारिश की संभावना व्यक्त की गई है, जबकि कुछ स्थानों पर बिजली और ओलावृष्टि के साथ साथ आंधी का पूर्वानुमान भी व्यक्त किया गया है। वह दूसरी ओर जम्मू कश्मीर, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और मध्य और उत्तरी इलाकों में बर्फबारी की संभावना, वही इलाकों में कुछ जगहों में ओलावृष्टि और बिजली गिरने की संभावना भी व्यक्त की गई है। यानी अभी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और कश्मीर की वादियों में बर्फबारी जारी है, जिसका आनंद जो है वो सैलानी उठा रहे हैं। वही उत्तराखंड में गुरुवार को हल्की बारिश की संभावना है, जिसके कारण तापमान में गिरावट आ सकती है। वही केरल, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और रॉयलसीमा तथा आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में अगले 4 दिन हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। वही मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 5 दिनों तक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वही मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिनों तक उत्तर पश्चिम भारत में तापमान में 2 डिग्री तक गिरावट की संभावना है। इसके बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि भी यहां पर होगी। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में तापमान में कोई गिरावट यहां पर नहीं आएगी। वही गुजरात, महाराष्ट्र में अगले 2 दिन तक तापमान में सुधार की गुंजाइश नहीं है। देश के बाकी हिस्सों में अगले 5 दिनों तक तापमान में परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। हालांकि जो सौराष्ट्र और कच्छ का जो इलाका है, उस इलाके में हीटवेव की आशंका व्यक्त यहाँ पर कल की गई है, यानी कल इन इलाकों में यहाँ पर हीटवेव चल सकती है और यहाँ पर कुछ इलाकों में हीटवेव की यहाँ पर संभावना जताई गई, बाकी हिस्सों में लू की आशंका यहाँ पर नहीं है। वही मौसम विभाग ने कहा है कि पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी से हल्का असर यहाँ पर दिल्ली के आसपास के इलाकों में देखने को मिल रहा है। तापमान मामूली सुधार यहाँ पर आया है। वही मौसम विभाग ने कहा है कि 25 से 27 के दौरान यहाँ पर सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात क्षेत्रों में अलग अलग इलाकों में हीटवेव की स्थिति होने की संभावना जताई गई, यानी गर्म हवाएं यहाँ पर चल सकती है। मौसम विभाग की ओर से अपडेट दिया गया है, यानी गर्म हवा चलेगी जिससे यहाँ पर तापमान में बढ़ोतरी होगी। वही बात करते हैं राज्य भर मौसम विभाग के समाचारों की। सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश राज्य के मौसम अपडेट की, तो हिमाचल में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में कल यहाँ पर मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया था, वो अभी बेसर रहा है। वही कुछ इलाकों में धूप खिली और शिमला में यहाँ पर जो पारा है वो 23 डिग्री के आसपास पहुंचा है। वही हिमाचल प्रदेश में बुधवार को बारिश और बर्फबारी को लेकर जो येलो अलर्ट जारी हुआ था वो बेअसर रहा है। बुधवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में मौसम साफ रहा है। मौसम विभाग केंद्र शिमला ने गुरुवार को भी यहां पर मध्य पर्वतीय जिलों में और सोलन, सिरमौर और मंडी, कुल्लू, चंबा और उत्तरी पर्वतीय इलाकों में किन्नौर और लाहौल स्पीति में कुछ इलाकों में बारिश और बर्फबारी की आशंका यहाँ पर व्यक्त की है। शुक्रवार को प्रदेश में मौसम साफ रहने के आसार जताए गए हैं। वही बुधवार को प्रदेश के सभी क्षेत्रों में यहाँ पर धूप खिली है, यानी हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर सभी इलाकों में गिरी है, जिसके कारण लोगों को यहाँ पर गर्मी का एहसास भी हो रहा था। और शिमला में जो तापमान है वो 23 डिग्री से ज्यादा यहाँ पर पहुंच गया है, यानी 23 डिग्री के आसपास यहाँ पर दर्ज किया गया है। वही बात करते हैं झारखंड राज्य के मौसम अपडेट की, तो झारखंड में लगातार मौसम में हो रहे बदलाव को रोकने के लिए दी जा रही है सुविधाएं। झारखंड में लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अभी भी तापमान में पिछले कुछ दिनों से बढ़ोतरी का दौर यहाँ पर लगातार जारी है, जिसको देखते हुए मौसम विभाग ने यहाँ पर लोगों को सतर्क रहने की यहाँ पर कहा है कि इस बार जो गर्मी है वो झारखंड में भी इस बार तेज पड़ने लगेगी, यानी गर्मी में यहाँ पर
लोगों को परेशान होना पड़ सकता है, ये मौसम विभाग की ओर से अपडेट दिया गया है। वही बात करते हैं राजस्थान राज्य के मौसम अपडेट की, तो राजस्थान में 40 डिग्री से नीचे आया है तापमान, पश्चिमी विक्षोभ होगा सक्रिय। राजस्थान में पिछले 10 दिनों से यहाँ पर 40 डिग्री से ऊपर जो तापमान चल रहा था वो बुधवार को शाम को नीचे आ गया। एक भी ऐसा जिला नहीं रहा जिसका तापमान 40 डिग्री छू रहा हो, जिसके चलते राजस्थान के लोगों को गर्मी से हल्की राहत यहाँ पर महसूस जरूर हुई है। वही मौसम विभाग की माने तो राजस्थान में एक दो दिन के भीतर पश्चिम विक्षोभ का असर दिखाई देगा, लेकिन तापमान में बढ़ोतरी यहाँ पर नहीं होगी। लेकिन इतना जरूर है कि सप्ताह के बाद गर्मी एक बार जोर फिर दिखाएगी और कोटोर गर्मी यहाँ पर पड़ सकती है। वही राजस्थान सहित यहाँ पर राजस्थान के लिए एक राहत की बात ये कही जा रही है कि लगातार जो तप रहा प्रदेश है वह कुछ नरम पड़ा है। वह राजधानी जयपुर में दोपहर अन्य दिनों के मुकाबले कल यहाँ पर गर्मी कम रही है, जबकि बाड़मेर सिरोही जैसलमेर और आसपास के इलाकों में जो पारा है वो 40 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया, जबकि कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से ऊपर बना हुआ है। हनुमानगढ़ का अधिकतम तापमान 35.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 के आसपास दर्ज किया गया है, जबकि बांसवाड़ा में अधिकतम 39.5 और न्यूनतम 26 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि आगामी एक सप्ताह के दौरान जो आसमान है पूरी तरह से यहाँ पर साफ रहेगा। वही मौसम विभाग के जयपुर के निदेशक आर एस शर्मा ने बताया कि राजस्थान में पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा, लेकिन तापमान में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज यहाँ पर नहीं हो सकेगी। यूँ कहा जा सकता है कि तापमान में अगले एक हफ्ते तक तेजी से नहीं बढ़े, तापमान जो है नहीं बढ़ेगा, तापमान 42 डिग्री तक नहीं पहुंचेगा। वही मौसम विभाग की माने तो 28 मार्च को तापमान 40 डिग्री के पास जा सकता है, न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज यहाँ पर होगी। वही इतना जरूर है कि जिस प्रकार से पहले भी यहाँ पर बताया जा चुका है कि अप्रैल और मई के दौरान पश्चिम राजस्थान में सामान्य से कई कई अधिक गर्मी यहाँ पर पड़ सकती है, प्रदेश में पिछले साल ज्यादा गर्मी यहाँ पर पिछले साल की तुलना में इस बार जो राजस्थान में गर्मी है वो पिछले सालों मतलब बीते सालों के मुकाबले इस साल यहाँ पर ज्यादा रह सकती है, मौसम विभाग की ओर से अपडेट दिया गया है। वही बात करते हैं एमपी के मौसम अपडेट की, तो एमपी के कुछ इलाकों में छाए हुए बादल, दिन के तापमान में आई है कमी। एमपी के अलग अलग स्थानों पर सक्रिय तीन मौसम प्रणालियों के असर से एमपी में कहीं कहीं आंशिक बादल छाने लगे हैं। वही गुरुवार से शनिवार को यहां पर अधिकतम तापमान में कमी आ सकती है, हालांकि शनिवार को एक बार फिर यहां पर गर्मी के तेवर तीखे होने की संभावना है। वही गुरुवार को मध्य प्रदेश में सबसे अधिक 42 डिग्री तापमान खंडवा का दर्ज किया गया। खंडवा एवं नर्मदापुरम में लू चली, न्यूनतम तापमान 16 डिग्री से यहाँ पर सबसे कम 16 डिग्री खुजारो और मंडला और रीवा और मंडला में यहाँ पर दर्ज किया गया है। वही मौसम विभाग केंद्र के मौसम विज्ञानी पी के शाह ने बताया है कि बुधवार को राजधानी में अधिकतम तापमान 37.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 3 डिग्री दिख रहा है। वही मंगलवार को भी अधिकतम तापमान 37.9 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया है।